हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सर्कल। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट कैसे गया, कल मार्केट कैसे जा सकता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कल कौन कौन स्टॉक इंट्राडे के लिए अच्छा मोमेंटम दे सकता है। सबसे पहले आपके सामने खुला हुआ है निफ्टी वीडियो का चार्ट और मैं हूं डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे कि आप कुछ दिन से देख ही रहे, मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम दे रहा था, अभी मार्केट यहाँ पे पॉज ले रहा है। लेकिन अभी आने वाले टाइम में यहाँ से थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हेल्दी करेक्शन पेंडिंग है। इतना अपसाइड में मोमेंटम देने के बाद हेल्दी करेक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हेल्दी करेक्शन होने, अपसाइड में मोमेंटम होने के बाद एक करेक्शन हुआ, यहाँ पे अपसाइड में मोमेंटम होने के बाद एक करेक्शन हुआ, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट वीक में करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड वी आर नियर टू दैट लाइक ट्रेड लाइन जो मैंने डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया, आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो निफ्टी फिफ्टी का ऑल टाइम हाई था, वहाँ से एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, उस ट्रेड लाइन के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से एक डिरेक्शन लेके मार्केट एक करेक्शन होने का चांसेस है। उसके बाद मार्केट अगर थोड़ा होल्ड करके उसके बाद अपसाइड में ब्रेकआउट करता है, तो निफ्टी फिफ्टी का अपसाइड में अच्छा खासा मोमेंटम देने का चांसेस है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ आप लोगों को, तो बेटर आइडिया मिलेगा। और मैं ये जो ट्रेड लाइन है इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ये जो दो लाइन्स है ना, ये दो पिछले दो तीन वीडियो से सेम है। मैं कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ कि ये दो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, उसके पीछे भी आज का लॉजिक है, वो भी मैं बता दूंगा। वीडियो को पूरा देखना, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसमें वीकली एनालिसिस के बारे में भी आज बता दूंगा कि नेक्स्ट वीक क्या होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट टाइम भी मैंने बताया था अपसाइड में 17,480 टू 17,500 लास्ट के दो वीडियो से मैं बता रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो में आई बटन में दे दूंगा, वीडियो जरूर देख लेना। लास्ट के दो तीन वीडियोज में कह रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा एक हाई रेजिस्टेंस पॉइंट है। बहुत हाई कॉल सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि 22 इसके ऊपर जाए, क्योंकि ऊपर जाने से उनका लॉस होगा। तो वो लोग चाहेंगे प्राइस इसके नीचे ही रहे, तो यहाँ पे आने से वो लोग सेल जरूर करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट मैंने बता दिया। और नीचे की साइड से आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है जो मैंने नीचे की साइड में ड्रॉ किया 17,223, इसके नीचे भी मैंने बोला था इसके नीचे क्लोजिंग मिलने से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, वहाँ पे देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इतना नीचे आने के बाद क्लोजिंग इसके ऊपर दिया, फिर अपसाइड मोमेंटम, फिर नीचे आया यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड, फिर नीचे सपोर्ट लिया अपसाइड, नीचे सपोर्ट लिया अपसाइड। तो जैसे ही यहाँ पे टच होने के आसपास आ रहा है, फिर अपसाइड मोमेंटम। लास्ट टाइम भी जैसे कल इतना फॉल हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ, जब ये ब्रेकआउट एक बार में ब्रेकआउट दे दिया, आई वॉज क्वाइट वरीड एंड क्वाइट शॉक कि ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसका एक बार में कैसे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद मैंने कुछ देर बाद देखा, जो 15 मिनट्स का क्लोजिंग दिया वो इस लेवल के ऊपर दिया, और यहाँ से बाउंस बैक करके मार्केट ऊपर चले गया। सो इट्स ऑलरेडी प्रूवन दैट इट्स ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, सो ये हम लोग को याद रखना है। दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी मेंशन कि ये दो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कल भी बताया था कि अभी देखिए, जो लोग सेलर्स हैं, मतलब ऑप्शन सेलर्स, जो लोग कॉल राइटर्स हैं, वो लोग ऊपर से यहाँ पे सेल किए होंगे ताकि प्राइस नीचे जाए, और जो लोग बायर्स हैं, पुट बाय जो लोगों ने किया है, उन लोगों ने नीचे से यहाँ पे बाय किया, तो मार्केट इसलिए ऊपर गया। तो अगर मार्केट ये दो लेवल के बीच में कहीं पर रहता है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा चौपी है, साइडवेज होने का चांसेस है। ये मैंने कल के वीडियो में दो तीन बार बोला था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे चुका हूँ, वो जरूर देख लेना। यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि इस बिटवीन में मार्केट कहीं पर रहता है, तो मैं यहाँ पे बाई या सेल करने के लिए उल्टा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब तक प्राइस 17,480 या 17,500 के ऊपर नहीं निकलता, या जब तक प्राइस नीचे आके एक ट्रेड लाइन यहाँ पे बन रहा था, इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, या ये सारे लेवल का ब्रेकडाउन नीचे की साइड में नहीं करता, तब तक मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ नीचे की साइड में। तो मैंने बता दिया था अभी आने वाले वीक में क्या होने का चांसेस है। अभी देखिए, मार्केट जो लेवल पे हॉल्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा चौपी एरिया है, चौपी टू साइडवेज कह सकते हैं। जब तक ये अपसाइड में रेजिस्टेंस, अगर अपसाइड में ब्रेकआउट कर देता है, तो अपसाइड में मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। ये तो मैं कह ही चुका हूँ, 17,500 के ऊपर हमें एक क्लोजिंग चाहिए, तभी हम लोग अपसाइड में बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली फॉलो हुआ। अभी अगर मार्केट कल गैप डाउन, ह्यूज गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो डिपेंड करता है मार्केट कहाँ पे खुल रहा है, उसके ऊपर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। अभी मार्केट अगर इसी ये सब लेवल, ये जो रेजिस्ट, ये जो सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया के आसपास खुलता है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ये सपोर्ट एरिया को ब्रेकडाउन करता है, तो आने वाले टाइम में या दिस वीक में हम लोग नीचे की साइड में थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि नीचे की साइड में बहुत सारा गैप्स भी है, वो फिल करने के लिए भी नीचे की साइड पर आ सकता है। और मार्केट इतना अपसाइड में मूवमेंट हुआ, वो करेक्शन भी पेंडिंग है, वो भी मैं कह चुका हूँ। ठीक है, अभी अगर मार्केट यहाँ पे और एक दो दिन होल्ड करके, इसी लेवल पे होल्ड करके फिर कंटिन्यूसली अपसाइड में करता है, वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो अपसाइड के लेवल में पहले ही बता चुका हूँ, 17,500 के ऊपर निकलता है, तभी अपसाइड में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, ये था निफ्टी वाले लेवल्स। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा ह्यूज गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है मंडे को फॉर एनी सर्टेन रीजन, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टेन, वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, उसको खोलने दो, उसको प्रॉपर एक प्राइस सेक्शन बना दे दो। जैसे ही खुल गया, बाई या सेल में मत जाओ, ठीक है, खोलने दो उसको प्रॉपर प्राइस सेक्शन। अगर 17,500 के ऊपर खुलता है, तो देखो ये लेवल को वो एज ए सपोर्ट की तरह, यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे खुल गया, ह्यूज गैप अप खुल गया, और इसको एज ए सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है कि नहीं। अगर सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, उसके बाद एक आर आई बना के प्राइस सेक्शन बना के ऊपर जा रहा है, तब हम लोग बाई कर सकते हैं।
सकते हैं, या जहाँ से फॉल हुआ उसके ऊपर उसका जो हाई है उसको कंटिन्यू क्रॉस कर रहा है तब हम लोग बाई कर सकते हैं। ऐसे ही ऊपर खुल गया तो बाई या सेल मत करो, ठीक है। सेम लाइक सेम ऐसा है, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो इसको देखो, ये जो सपोर्ट है इसके नीचे अगर कहीं पर खुलता है, इसके आसपास खुलता है तो इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करना दो, इसके नीचे खुलता है तो इसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना दो, रेजिस्टेंस लेकर जब नीचे आने लगेगा देन वी कैन सेल फॉर दैट, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, मैं हूँ डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेम सिमिलर चीज़ है, जैसे निफ्टी में आप लोगों ने देखा अप साइड में मोमेंटम फिर करेक्शन, अप साइड में मोमेंटम, अभी ये करेक्शन यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि हायर आई या हायर लो अभी तक बना नहीं है, उसका इनसाइड कैंडल बना है। अभी ये इनसाइड कैंडल का अगर लो टूटता है तो नीचे की साइड में आने का चांसेस है क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो नीचे की साइड में हम लोग आते हुए देख सकते हैं। हेल्दी करेक्शन भी पेंडिंग है जैसे निफ्टी में है। अगर अप साइड में इसको जाना है तो 38,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए, तो कि एनी टाइम सून मुझे अभी के लिए नहीं लग रहा, अगर जाता है तो बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अप साइड में हम लोग अच्छा खासा टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बता दिया था अगर निफ्टी या सॉरी आई एम सॉरी बैंक निफ्टी अगर 38,000 दिस वीक क्लोज दे देता है तो अपसाइड में अच्छा खासा हम लोग दिस नेक्स्ट वीक में टारगेट प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग आप देख सकते हैं 37,000 to 920 के आसपास हुआ, 38,000 के बिलो हुआ है, तो थोड़ा सा करेक्शन आने का चांसेस है, ठीक है। अभी 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे आप मैं पहले भी जैसे निफ्टी में मैंने दो तीन लाइंस ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी दो लाइन थ्री लाइंस है जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। जैसे अप साइड में 38,160 to 200 का लेवल मैंने बोला था, यहाँ पे हाई कॉल राइट करके रखा है, तो यहाँ से अच्छा अगर ऊपर जाता है तो इसके आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लेना। 38,160 के आसपास हम लोगों ने प्लान किया था, जब प्राइस ऊपर जाएगा इसके आसपास हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग आएगा, यहाँ से एक लाइक रजिस्ट्रेशन लेके सेलिंग आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लास्ट डे में वही हुआ, मैंने उस दिन भी अराउंड 10 बजे या 10:30 बजे एक वीडियो भी बनाया था, एक शॉर्ट वीडियो, जहाँ पे मैंने बोला था कि करेंटली बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अगर ये नीचे की साइड पे आते हुए 38,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है तो अच्छा खासा नीचे की साइड में लाइक मोमेंटम मिलने के चांसेस है। अगर ये अपसाइड में 38,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो अच्छा खासा हम लोगों को मोमेंटम अपसाइड में देखने के लिए मिलेगा, और देखिए नीचे के साइड ब्रेकआउट हो गया तो अच्छा खासा नीचे की साइड में मोमेंटम देखने के लिए मिला। अभी देखिए ये लेवल नीचे की साइड ऊपर साइड पे और नीचे की साइड में ये लेवल मैंने पहले भी ड्रॉ कर चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स नीचे की साइड में आया, फिर ऊपर जाके इसी लेवल के ऊपर होल्ड करके उसके ऊपर ही क्लोज दिया, सो इट्स इंपॉर्टेंट लेवल। उसके बाद अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, नीचे की साइड में अच्छा सेलिंग प्रेशर, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड में अच्छा रैली, ठीक है। तो दिस इज अ गुड सपोर्ट, तो जैसे ही मार्केट नीचे आया है तो बायर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट, दे आर लुकिंग फॉर ए सपोर्ट, गुड सपोर्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बाय, राइट। तो उन लोगों को ऐसे दिख गया कि यहाँ से अच्छा खासा रैली हुआ था तो जिससे गुड सपोर्ट, तो यहाँ से उन लोगों ने बाई करना स्टार्ट किया। अभी देखिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जैसे निफ्टी में बताया कि यहाँ पे सेलर मौजूद है, वो लोग नहीं चाहते कि प्राइस इसके ऊपर जाए, ठीक है। जो लोग बायर्स है वो लोग नहीं चाहते प्राइस इसके नीचे आए, तो मार्केट अभी इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया है। तो मार्केट अगर इस बिटवीन ये जो लेवल है पूरा ये जो एरिया है, अगर मार्केट इसी एरिया में रहता है तो मार्केट टॉपी टू साइडवेज रहने का चांसेस है, जो आज आप लोगों को पूरा देखने के लिए मिला। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि ट्रेड मुझे दिखाई नहीं प्रॉपरली, तो मैं क्या ट्रेड लूँ, फोर्सफुली ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपका सेटअप आपको कोई ट्रेड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो अभी मार्केट का सिनेरियो क्या है, देखिए मार्केट अभी 38,000 के नीचे क्लोज दिया है, अभी 38,000 का लेवल ऑलरेडी टचअप हो चुका है, अभी इंपॉर्टेंट लेवल है 38,160 to 200 का लेवल। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है अपसाइड में आने वाले दिनों में तो हम लोग अपसाइड में बाइंग करके चल सकते हैं, अपसाइड में अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अभी डाउन साइड में ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 37,400 का लेवल, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो नीचे की साइड में गैप्स भी ये फिल करने के लिए भी आ सकता है, तो डाउन साइड में अच्छा टारगेट अभी नीचे की साइड में देख रहा है, और हेल्दी करेक्शन भी पेंडिंग है, तो आने वाले वीक में डाउन साइड में थोड़ा सा मुझे टारगेट बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में आने का चांसेस है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आएगा जरूर क्योंकि मार्केट इज अनसर्टेन, ऐसा भी हो सकता है कोई गैप अप हो गया 38,200 के ऊपर या आसपास खुल के उसके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दिया तो अपसाइड में प्लान करेंगे। हम लोगों को हमेशा न्यूट्रल लेना है क्योंकि मार्केट इज अनसर्टेन, ठीक है। मार्केट जहाँ पे जाएगा उसी ट्रेंड में हम लोगों को फॉलोअप करना है, मार्केट का ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है तो अभी अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेंगे, अगर एक करेक्शन हो रहा है तो होने दो, अगर डाउन साइड में कोई प्लान भी कर रहा है तो एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखा है, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये टूटते हुए दिख रहा है, तब हम लोग अच्छा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाएगा इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होगा तो हम लोग अपना क्वांटिटी ऐड करते हुए चलेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। चलिए कल के इंडिया डे के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट में आप देख सकते हैं एक प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, एक ट्रेड लाइन भी फॉलो अप हो रहा है, ट्रेड लाइन के ऊपर देखिए प्राइस ऐसे फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड में अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। एंट्री अगर होगा आपका होगा 805.50 का टारगेट आपका रहेगा, फर्स्ट टारगेट 800 का, सेकंड टारगेट रहेगा 795 का, स्टॉप लॉस आप 808 का रख सकते हो। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करना है, ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट एज वेल एज ये जो लेवल है इस ब्रेकआउट इस लेवल का ब्रेकआउट ये दोनों होना
चाहिए और नीचे के साइड में क्लोजिंग मिलना चाहिए तभी एंट्री करना। और अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है 808 का आप रख सकते हो, या तो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर थोड़ा सा बफर रखे उसको भी एज ए स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर सेकंड टारगेट के लिए प्लान कर रहे हो जो कि 795, तो अपना स्टॉप लॉस 800 के आसपास ट्रेल जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग का HDFC बैंक। HDFC बैंक में भी सेलिंग दिख रहा है मुझे अभी, आप साइड में आप देख सकते हो अच्छा खासा है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की तरह फॉर्म होते हुए दिख रहा है, जो कि 15 मिनट्स में आपको नहीं दिखेगा, मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। अभी देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है, जिस लेवल का यहाँ से ब्रेकआउट होकर मार्केट अपसाइड में गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, यहाँ पे देखिए एक एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। अभी इसके नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो हम लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में वापस जाता हूँ, तो अगर कल मार्केट 1421 के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो आप सेलिंग के लिए साइड पर जा सकते हैं। टारगेट आपका फर्स्ट रहेगा 1413 का, सेकंड टारगेट आप रहेगा 1405 का, स्टॉप लॉस आप 1426 या तो ब्रेक डाउन कैंडल का हाइक में रख के चल सकते हैं। अगर सेकंड टारगेट के लिए प्लान कर रहे हो तो स्टॉप लॉस अपना फर्स्ट टारगेट के आसपास ट्रेल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग का भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में भी आप देख सकते हो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे एक कंटिन्यूसली होल्ड कैंडल बना रहा है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो प्राइस नीचे की साइड में आने का चांसेस है, तो एंट्री आपका होगा 702 के नीचे, ठीक है। टारगेट आपका फर्स्ट रहेगा 698 का, सेकंड टारगेट रहेगा 693 का, स्टॉप लॉस आप 704 या ब्रेक डाउन कैंडल का हाई पे रखकर चल सकते हैं। अगर सेकंड टारगेट के लिए प्लान कर रहे हो स्टॉप लॉस अपना 698 के आसपास चल कर लेना, ठीक है। लास्ट स्टॉक है हम लोग का BPCL। BPCL में देख सकते हैं अच्छा खासा प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ, इसी लेवल पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है और अभी उसी लेवल के आसपास प्राइस होल्ड कर रहा है। कल अगर इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग बाइंग साइड में जा सकते हैं। हम लोग का एंट्री रहेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एंट्री का थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, यहाँ पे ये 338 के आसपास एंट्री रहेगा, ओके 338 के ऊपर हम लोग का एंट्री रहेगा। और प्राइस हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा 340 का, सेकंड टारगेट रहेगा 342 का, स्टॉप लॉस आप 336.50 या तो ब्रेकआउट कैंडल का लो के आसपास रख सकते हैं बफर रख के। और फर्स्ट टारगेट अगर अचीव हो गया, अगर आप सेकंड टारगेट के लिए प्लान कर रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर फर्स्ट टारगेट के आसपास सेल कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, कोई भी डाउट हो कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।